भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को अक्सर आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर के तौर पर देखा जाता है। यहां तक कि वो टीम इंडिया के साथ बतौर नेट गेंदबाज जुड़ रहे हैं। हालांकि अब उनको इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें संस्करण में देखा जा सकता है। वहीं अर्जुन तेंदुलकर पर इस बार आईपीएल के ऑक्शन में बोली लग सकती है। वहीं तेंदुलकर ने जैसे ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में डेब्यू किया था, उसी के साथ वो आईपीएल के ऑक्शन में शामिल होने के योग्य हो गए थे। जूनियर तेंदुलकर ने इस बार टी20 टूर्नामेंट में दो मैचों में मुंबई की टीम के लिए खेले थे। हालांकि दोनों मैचों में टीम को हार मिली और अर्जुन का भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। बावजूद इसके उनको आईपीएल नीलामी के योग्य पाया गया क्योंकि वो सीनियर टीम के लिए खेलने लगे हैं। वहीं खबरों की माने तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में अपना नाम भेजने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और अर्जुन तेंदुलकर ने जैसे ही मुंबई के लिए मुकाबला खेला वो क्वालिफाइड कर गए। वहीं अब अर्जुन तेंदुलकर को ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में लॉग इन करके अपनी रुचि आईपीएल 2021 के लिए ऑक्शन के लिए व्यक्त करनी होगी, जिसके बाद राज्य क्रिकेट संघ बाकी की औपचारिकताएं पूरी करेंगी। वहीं आईपीएल 2021 के ऑक्शन का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कर दिया। बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि 18 फरवरी को चेन्नई में आईपीएल के 14वें सीजन के ऑक्शन का आयोजन होगा। इस बार ये ऑक्शन मिनी होगा, लेकिन 2022 के आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है क्योंकि सभी टीम फिर से बनेगी और दो और नई टीम में भी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी। वहीं सूत्रों की माने तो अर्जुन तेंदुलकर सीएसके में खेलते हुए दिख सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।